हलासन। पीठनी तरफ लेटी जाओ, बन्ने हाथ जमीन पर टेकी ने राखो, हवे पग उपाड़ी ने एकदम पाछड़ ले जाओ। कोणियों ने जमीन पर टेकी, बन्ने हाथों थी पीठ ने सहारो आपो। हलासन पाचन शक्ति ने सुधारवामां मदद करे छे। नियमित रीते हलासन करवाथी वजन नियंत्रण में रहे छे। हलासन में थायरॉइड अने ग्रंथिओ सारी रीते काम करे छे। आ आसन में शरीर नू आकार एक हड़ जेवु बने छे, एटले आपणे एने हलासन कहीए छे। आ आसन ने योग शिक्षक नी सलाह प्रमाणे ज करवू जोईए। रीढ़ अथवा गळा नो रोग होय तो आ आसन नहीं करता। फिश फेस पोज। अपने दोनों गालों को अंदर की तरफ खींच लीजिए। अब आपके होठ का आकार मछली की मुंह के जैसा दिखाई देगा। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और पूर्व अवस्था में लौट आइए। इसे कम से कम 10 बार दोहराइए। इस आसन के फायदे: गालों की चर्बी कम हो जाती है, ये आसन झुर्रियों को रोकता है, इससे चेहरे की मांसपेशियों में कसाव आता है। पर्वतासन। पद्मासन अवस्था में बैठ जाएं, सांस भर कर रोक दें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर उंगलियां आपस में जोड़ दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। ये आसन करते समय आपका शरीर तना हुआ हो और कमर बिल्कुल सीधी हो। इस आसन के फायदे: कमर की चर्बी को दूर करता है, कंधों की जकड़न को दूर करता है, पैरों को मजबूत करता है, त्वचा का लचीलापन कम करता है। इस आसन से फेफड़ों को लाभ मिलता है। इस आसन को खाली पेट करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन ना करें। सिंहासन। ये आसन करते समय आप
जमीन पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को एक एक करके घुटने में मोड़ कर पीछे लेकर पंजों को आपस में मिला लें। अपनी दाई और बाई एड़ियों को ऊपर की ओर मोड़ लें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालिए और नाक से सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए गले से आवाज निकालिए। तनाव कम करने में मदद करता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, आवाज मधुर बनाता है। घुटने में दर्द है तो ये आसन ना करें। गले में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। शवासन। शवासन जमीन पर चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के 4-5 इंच की दूरी पर रखें। पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें। अब अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लें। हल्की हल्की सांस लें। सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करें। मन में किसी प्रकार का विचार न लाएं। नियमित शवासन से आप हाई बीपी से दूर हो सकते हैं। शवासन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये मन की बेचैनी को दूर करता है। शरीर से थकान भगाता है। शवासन करते वक्त आपका शरीर पूरी तरह से ढीला होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हों। ये बेहद सरल आसन है। इसे कोई भी कर सकता है।